मुंगेर विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए भारतीय दर्शन जो कि बीए प्रथम वर्ष में एक प्रमुख पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत हम ये वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं। हमारे स्टूडेंट जानते होंगे कि भगवान बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं बिहार से उनका बहुत जुड़ाव रहा है। गया बौद्ध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, सारनाथ में उन्होंने शिक्षा दी थी, कपिल वस्तु के रहने वाले थे। तमाम चीज़ें उनके जन्म मरण गृह त्याग निर्वाण प्राप्ति सारी चीज़ें और कैसे बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। बौद्ध धर्म कहीं ना कहीं और लॉर्ड बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा गया, अर्थात उनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया उन्होंने पिछले 2000 सालों में अगर मिलाकर देखा जाए, 2500 सालों में 2600 सालों में मिलाकर अगर देखा जाए तो 600 BC के आसपास। तो अगर लॉर्ड बुद्धा को हम देखें और उनकी फिलॉसफी को देखें जो कि मध्यम मार्ग अहिंसा की ओर ज्ञान प्राप्ति की ओर निर्वाण की ओर की बात करता है तो एक दर्शन की पृष्ठभूमि में इतिहास जरूर छुपा होता है। किसी भी विचार या किसी भी विचारधारा किसी दर्शन किसी दृष्टिकोण का उद्भव कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ये वो काल है हमारे देश में इस धरती पे जब ब्राह्मणवाद प्रपंचवाद बहुत ज़्यादा था, यज्ञ कर्मकांड बहुत ज़्यादा था और ऐसे में पशु की बलि पशु की हिंसा खास करके बहुत ज़्यादा था और छुआछूत था, भेदभाव था, समाज में समताएं नहीं थी। तो ऐसे में एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता महसूस की गई। खुद क्षत्रिय कुल के थे भगवान बुद्ध और ऐसी विचारधारा की आवश्यकता महसूस हुई जो इन चीज़ों को समतावादी बना सके, समानता का दृष्टिकोण रखता हो। ऐसे में ही भगवान बुद्ध ने और उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तपस्या के बाद और उन्होंने ये बौद्ध दर्शन का प्रतिपादन किया। जो उन्होंने शिक्षाएं दी उसे आज हम बौद्ध दर्शन के रूप में जानते हैं। बात करते हैं इस पे तो बौद्ध दर्शन की जो शिक्षाएं हैं दर्शन के लिहाज से अगर देखा जाए तो बौद्ध दर्शन की शिक्षाओं को अगर हम मुख्य रूप से कहें तो जो चार आर्य सत्य है उनका, फोर नोबल ट्रुथ है उनका, वो उनके दर्शन का सार है। और इसी में उनके दर्शन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की बात नहीं कर रहे हैं, उनके विचारों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उनके दर्शन की। तो उनका दर्शन का सार कहीं ना कहीं इसी में छुपा हुआ है। तो बात करें अगर हम उनके चार आर्य सत्य की भूमिका की तो हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही व्यवहारिक है। हम जो कुछ जीवन में देखते हैं जगत में देखते हैं उसको एक सिद्धांत के रूप में उन्होंने प्रतिपादित किया। और जो कुछ हम लोग कई बार अनायास अपने मन में प्रश्न आता है कि ईश्वर क्या है, जगत क्या है, मरणोपरांत क्या होता है, आत्मा क्या होता है, इन दार्शनिक तत्वों पे या जो उनको लगता था कि बेकार के प्रश्न हैं इन पे उन्होंने मौन रहना स्वीकार किया और इसी को अव्यक्तानी कहा गया बौद्ध दर्शन में। पाली दर्शन जो मुख्य साहित्य है बौद्ध दर्शन का पाली साहित्य उसमें अव्यक्तानी कहा गया। फिर उन्होंने संसार में जो दुख हैं और उनके निदान, सबसे बड़ी बात है कि कई बार भारतीय दर्शन पे आरोप लगता है कि भारतीय दर्शन एक निराशावादी दर्शन है जिसमें क्योंकि बिल्कुल संसार को दुखमय माना गया है। ऐसा नहीं है, भारतीय दर्शन या बौद्ध दर्शन भी इवन निराशावादी नहीं है। निराशावादी हम उसको कहते हैं जो दुख को मानकर दुख को स्वीकार कर हार कर बैठ जाए। नहीं, यहाँ पे तो उसके समाधान की बात है, उसके उससे निकलने की चर्चा है। तो हम इसको देखते हैं तो बौद्ध दर्शन ने कहीं ना कहीं सबसे पहले जो चार आर्य सत्य में कहा कि संसार में दुख है। हम किसी भी चीज़ को एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है कि हम किसी चीज़ में पहले हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें। तो प्रॉब्लम्स क्या है? संसार में दुख है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम के कारण को ढूंढा जाए क्यों है। तो उन्होंने कहा कि यस देर इज़ कॉज, दुख का समुदाय है, दुखों का कारण है। और फिर उनसे जब भाई कि दुख भी है दुख का कारण है तो ऑब्वियस है, जब अगर कारण है तो कारण को ख़त्म कर देने से उसका निदान भी संभव हो जाएगा। तो इन्होंने तीसरा कहा कि दुख निरोध यानी कि दुख को का निदान संभव है, दुख निदान संभव है। और चौथा उन्होंने कहा कि दुख निरोधनी मार्ग यानी कि दुख का निरोध का मार्ग भी है जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, इसका उन्होंने प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं तो आगे उन्होंने दुख के बारे में कहा कि गौतम जो पहला उनका आर्य सत्य है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि संसार में चारों तरफ दुखमय है, संसार में सारी चीज़ें विनाशी है, जिसको हम यथार्थ समझ लेते हैं वो भी क्या है, अयथार्थ है। जो भी भौतिक चीज़ें हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, और ख़ास करके जो भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है जरा मरण, वो जो उनका महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग है, उसमें उन्होंने चार चीज़ों को देखा था। एक बूढ़े व्यक्ति को देखा था, एक मृत शरीर को देखा था, तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर अंत में एक सन्यासी को देखा था। उनके दिमाग में ये चीज़ असर कर गया कि नहीं, ये जो संसार है, ये जिसको शंकराचार्य माया कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भगवान बुद्ध ने भी स्वीकार किया कि यह जगत मिथ्या है, जगत माया है, जगत में दुख है, जगत में जो कुछ भी है वो क्षणिक है, भौतिक है। तो कहीं ना कहीं इस ओर उनका इशारा था, और इसीलिए उन्होंने जगत में दुख को स्वीकार किया, सर्वम दुखम, है ना। और जो भी इन्होंने कहा कि जो सुख हमें दिखता है वस्तुतः वो सुख नहीं, हमारे दृष्टि का भ्रम है, और संसार में सर्वम दुखम है, पहला उनका। दूसरा है कि दुख समुदय, यानी कि दुख का कारण है। उनका कहना है कि कोई भी चीज़ अकारण नहीं होता, ऑब्वियस है। अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला की तरफ किसी चीज़ को देखें, तो हमने किसी चीज़ को कहा कि यस दैट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट करता है, तो एग्जिस्ट करता है इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कारण भी है। और कारण की सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बौद्ध दर्शन को, कि उन्होंने कारणों की एक श्रृंखला दी, एक चेन दिया। उन्होंने कहा कि यस यू कैन फाइंड द कॉज, एंड यू कैन नॉट ओनली फाइंड द कॉज बट यू कैन फाइंड द लास्ट कॉज, व्हाट इज़ द रियल कॉज ऑफ सॉरो, दुख का जो लास्ट रीज़न है, कॉज का जो मुख्य कॉज है, उस तक आप पहुँच सकते हैं। और इस संदर्भ में उन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे प्रतित्य समुत्पाद या पटिच्छ समुत्पाद पाली में कहा जाता है, प्रतित्य धन समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद यानी कि किसी एक चीज़ के होने पर किसी एक चीज़ का निर्भर होना, समुत्पाद, प्रतित्य समुत्पाद, ये प्रतित्य धन समुत्पाद दो शब्दों के मिलने से बना है। तो किसी एक चीज़ के होने पर दूसरी चीज़ का होना, ये प्रतित्य समुत्पाद। और इसी प्रतित्य समुत्पाद यानी कि कार्य कारण, अगर बौद्ध दर्शन का कार्य कारण पूछा जाए तो यही प्रतित्य समुत्पाद है। और इसी के द्वारा उन्होंने द्वादश निदान यानी कि कारण कार्य श्रृंखला का एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, और उन्होंने खोज की दुखों के कारणों की। हम देखते हैं कि वो 12 तत्व कौन से हैं, द्वादश निदान यानी कि द्वादश यानी कि 12 वो तत्व कौन से हैं जिसे दुख का साइकिल कहा गया, और अंत में किसको अल्टीमेट कॉज माना गया, ये देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहा जरा मरण, जरा मरण का मतलब होता है दुख। फिर दूसरा उन्होंने कहा जाति, जाति का मतलब जन्म लेना। भव, भव का मतलब जन्म ग्रहण करने की तीव्र इच्छा। उपादान यानी कि विषयों से लिपटे रहने की जो अभिलाषा है ना, टाइप ऑफ। फिर तृष्णा, तृष्णा मतलब इंद्रिय सुख प्राप्त करने की जो तीव्र इच्छा है, उसको उन्होंने तृष्णा कहा। इसके आगे उन्होंने वेदना, वेदना यानी कि पहले का विषय का जो भोग है हमारा, उसको वेदना कहा। स्पर्श यानी कि इंद्रियों का विषय के साथ जो संपर्क है, इंद्रिय ही कहीं ना कहीं हमारे साधन बनते हैं संसार के साथ जुड़ाव का। और फिर षडायतन यानी कि मन एवं 5 ब्रह्म ज्ञानेन्द्रियों को इन्होंने षडायतन कहा। और नाम रूप यानी कि शरीर एवं मन को इन्होंने, नाम रूप का मतलब क्या है, शरीर और मन यानी कि शरीर को कहीं ना कहीं नाम रूप कहा इन्होंने। और विज्ञान यानी कि चेतना, जो शरीर के अंदर एक सिर्फ शरीर और मन ही तो नहीं है, चेतना भी है, तो चेतना है ना। और फिर लास्ट में इन्होंने दो कारण जो दिए, संस्कार और अविद्या। पहले किए संस्कार क्या है, पहले किए कि एक कर्म की जो प्रवृत्ति, जो छाप है मेरे अंदर, उसको इन्होंने संस्कार कहा। और अविद्या, अविद्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि एक ये किसी, आप समझ सकते हैं अविद्या का मतलब क्या है, अज्ञानता, अज्ञानता है। और अज्ञानता के कारण ही हम क्या करते हैं, चंगुल इन चीज़ों में फंसते हैं हम। तो अल्टीमेट कॉज क्या दिया इन्होंने, अज्ञानता को, अविद्या को माना। तो हम लोग एक छात्र हैं, हम लोग दर्शन शास्त्र के छात्र हैं, और ऐसे में भगवान बुद्ध स्वयं बता रहे हैं कि जो दुख का मुख्य कारण है वो है अविद्या। और इसके बीच में उन्होंने कहा था तृष्णा, तो तृष्णा और अविद्या जो मुख्य कारण है दुखों का, कहीं ना कहीं अगर हम उसको बीट करते हैं तो हम कहीं ना कहीं, और अगर व्यवहारिक तौर पे भी देखा जाए आज बौद्ध दर्शन की, अगर हम व्यावहारिक व्याख्या करें तो अविद्या को अशिक्षा कह सकते हैं। और अगर अविद्या को हम अशिक्षा कहते हैं तो अशिक्षा कहीं ना कहीं क्या है, दुखों का कारण है, हमारे दुखों का कारण है, हम सब के दुखों का कारण अशिक्षा है। अशिक्षा, अजागरूकता, अज्ञानता हमारे दुखों का कारण है। तो अगर व्यवहारिक व्याख्या किया जाए, दार्शनिक पारलौकिक व्याख्या से हटके भी व्याख्या किया जाए, तो भी हमें कहीं ना कहीं एक सीख मिलती है बौद्ध दर्शन में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक रेखीय क्रम है जो हमारे वर्तमान जन्म, अतीत के जन्म और भविष्य के तीनों कालों से जुड़ा हुआ है, और ये 12 चक्र उन्होंने दिए। और अंत में उन्होंने कहा कि अविद्या ही दुखों का मूल कारण है।
अब नेक्स्ट आता है दुख का निरोध। दुख निरोध यानी कि दुख का समाधान भी संभव है। पहले उन्होंने कहा कारण, कारण खोज लिया भैया, अविद्या कारण है। अब दुख निरोध की बात होना है। दुख निरोध का मतलब दुखों का अंत कैसे होगा, तो निर्वाण से होगा। यानी कि इन्होंने पहले में दुख, सांसारिक दुखों की बात की, दूसरे में इन्होंने प्रतीत समुत्पाद की बात की, तीसरे में उन्होंने दुख निरोध यानी कि निर्वाण की बात की। कैसे होगा दुख निरोध, तो दुख निरोध होगा निर्वाण से, ठीक है। और निर्वाण प्राप्ति के इन्होंने मार्ग भी बताए, जिसको इन्होंने अपने अंतिम आर्यसत्य में रखा, जिसको इन्होंने दुख निरोधनी मार्ग कहा। और इस ये साधना का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। मैंने अगर कहा कि व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो शिक्षा की बात की, तो कहीं अगर उसको व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ज्ञान, दुख निरोध मार्ग क्या है, ज्ञान है। अष्टांगिक मार्ग भी लोग, अष्टांगिक मार्ग के नाम से इसको जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग और अष्टांग योग अलग अलग चीज़ है। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध दर्शन की चीज़ है और अष्टांग योग योग दर्शन की चीज़ है। तो यहाँ पे इस चीज़ का अंतर ध्यान रखना है। और ये जो अष्टांग मार्ग है, अष्टांग मतलब आठ अंग हैं, वो कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, तो ये अंत में सम्यक समाधि। ये जो आठ श्रृंखलाएँ हैं, आठ जो चरण हैं, पहला क्या है, चार आर्य सत्य का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि ये हो गया। सम्यक संकल्प क्या है, उसका पालन जीवन में हो, है ना। सम्यक वाक क्या है, वाक मतलब बोलना, है ना। हम लोग देखिए कितनी व्यवहारिक शिक्षाएं हैं कि हम अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्मांत यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन। कर्मांत मतलब हमारे जो कर्म हैं वो सम्यक हो, सही हो, उचित हो, है ना, फेयर हो, ठीक है। और सम्यक आजीव, न्यायपूर्ण तरीके से जीव को उपार्जन करना सम्यक आजीव है। और सम्यक व्यायाम, वाणी और कर्म को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करने वाली जो भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं व्यायाम की आज भी वो बनी हुई है। कहीं ना कहीं जो व्यायाम है वो हमारे शरीर को शुद्ध करता है, हमारे मन पे नियंत्रण करता है, और उससे हम सही कार्य के प्रति, सही वाणी के प्रति प्रेरित होते हैं। तो इसलिए उन्होंने सम्यक आजीव यानी कि जीविकोपार्जन भी सही तरीके से हो, सम्यक व्यायाम भी हो, सम्यक स्मृति यानी कि ज्ञात जो विषय हैं, जो अच्छे विषय हैं, जो अब तक आपको बताया गया कि चार आर्य सत्य, उन सबको स्मृति में बनाए रखना। और लास्ट सम्यक समाधि। हमारे यहाँ भी जो चार पुरुषार्थ माने गए हैं, चार वर्ण, चार पुरुषार्थ की बात है, चार आश्रम की बात है, तो इन सब में भी कहीं ना कहीं अंत का जो जीवन काल होता है, जो वृद्धावस्था होता है, वह समाधि की बात है। लेकिन यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति के लिए कोई आयु की बात नहीं है। सम्यक समाधि यानी कि हम एकाग्रता द्वारा प्रज्ञा की अनुभूति करना, एकाग्रता द्वारा उस ज्ञान की चरमावस्था, मतलब कि यथार्थता को पहचान लेना है। कहीं ना कहीं आनंद एवं जो शांति का अनुभव की अवस्था है, उसको इन्होंने सम्यक समाधि की अवस्था कहा है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अपने बौद्ध दर्शन को समाप्त करते हैं। और थैंक यू। हमने जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया, इसका जो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव दिया, और साथ में मैंने जो बौद्ध दर्शन के जो सार हैं, जो चार आर्य सत्य, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, प्रथम में दुख, दूसरे में प्रतीत समुपात, तीसरे में निर्माण की बात, और चौथे में अष्टांगिक मार्ग की बात, इन्हीं से आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी होंगे और सब्जेक्टिव भी होंगे। थैंक यू सो मच।